नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। आज लोकसभा में जनता की आवाज को सांसद श्रीमती हिमांगी सिंह ने देश की संसद में लोकसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष नागपुर के लिए नई ट्रेन और दैनिक ट्रेन के परिचालन की मांग की। मेरा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में कोयले की खदानें पर्याप्त मात्रा में संचालित है, इस कारण विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ निवासरत हैं। महोदय, इस क्षेत्र के लिए नागपुर चिकित्सा का मुख्य केंद्र है, जहाँ मेरे क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए जाते हैं। आवागमन के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कटनी बिलासपुर मार्ग से होकर नागपुर के लिए एक नई डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्य मार्ग से होकर बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर से कनेक्टिविटी के लिए पूर्व में संचालित किसी एक दैनिक ट्रेन का पुनः संचालन आरंभ किया जाए, जिसका संचालन वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण बंद है। धन्यवाद।